मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इस चैप्टर के अंदर आज हम रिलेशंस डिस्कस करेंगे। हमारी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सारे रिलेशंस हैं, जैसे कि फादर एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में भी हमारे पास बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, जैसे कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर है तो वो भी उनके बीच में कुछ वो रिलेशन है। हम ये भी कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे कि टू लाइंस आर पैरेलल। तो इस तरह बहुत सारी मैथमेटिक्स के अंदर एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड है। तो रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन इन्वॉल्व्स द पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्टेन ऑर्डर। मीन्स की जो रिलेशन है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स का पेयर बनाया जाता है और उनके एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखा जाता है, पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है। तो आज हम वो पेयर्स ही बनाएंगे। लेकिन जो ये रिलेशन सेट है, ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो रिलेशन को सीखने से पहले हमें दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीखना पड़ेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स लेट ए एंड बी। तो दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट होती है, तो उसके लिए भी हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए सेट है हमारे पास दो कलर्स का, ब्लैक एंड ग्रीन। दूसरा सेट हम ले रहे हैं थिंग्स के ऊपर, जैसे कि बॉल, बैलून एंड शर्ट। तो ए सेट के अंदर हमारे पास दो कलर्स हैं, बी सेट के अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं। तो इनका हम अगर पेयर बनाते हैं तो कितने पॉसिबल कलर्स हो सकते हैं इन चीजों के लिए? तो पहला हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ब्लैक कलर की बॉल। तो जब हम पेयर बनाते हैं तो इनको हम एक ऑर्डर पेयर का नाम दे देते हैं। ब्लैक बॉल हो सकती है, ब्लैक बैलून हो सकता है, ब्लैक शर्ट हो सकती है। तो जितने भी पॉसिबल पेयर्स बनेंगे वो हम बनाएंगे यहां पर। तो ग्रीन कलर क्या बॉल हो सकता है, ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर का बैलून भी हो सकता है, और लास्ट में कि ग्रीन कलर की शर्ट हो सकती है। तो यहां हमने सभी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बना दिए जो इन दोनों सेट से बने हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बना है, ब्लैक बॉल। सेकंड ऑर्डर पेयर बना है ब्लैक बैलून। थर्ड है ब्लैक शर्ट। फोर्थ है हमारे पास ग्रीन बॉल, देन ग्रीन बैलून, देन ग्रीन शर्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हमारे पास दो सेट हैं तो उनके ऑर्डर पेयर्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं। आपने देखा कि इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सेट ए के अंदर टू एलिमेंट्स, और सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, थ्री। लेकिन अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं ए क्रॉस बी, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट आर सिक्स। तो यहां अगर हम एलिमेंट्स चेक करते हैं कितने ऑर्डर पेयर बने हमारे पास, सिक्स ऑर्डर पेयर्स बने हैं। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखेंगे कि जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं दोनों सेट से, तो वो हम इस सेट के अंदर लिखेंगे। तो एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या हुई, ए क्रॉस बी, ये हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर इसके हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो वो क्या होगी, दिस इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए बी, वेयर ए कम्स फ्रॉम सेट ए एंड बी कम्स फ्रॉम सेट बी। और इसी तरह अगर हमारे पास है
बी क्रॉस ए, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, बी ए के ऑर्डर पेयर्स है जहां पर हमारे पास बी सेट बी को बिलोंग करेगा, ए सेट ए को बिलोंग करेगा। मतलब कि जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, चाहे ए क्रॉस बी है या फिर बी क्रॉस ए है, उसमें हमने एक फॉर्म देखने की, जैसे पहला सेट हमने क्या लिखा है, डी लिखा है, तो यहाँ जो ऑर्डर पेयर्स होंगे उसमें पहला एलिमेंट डी का होगा और सेकंड जो प्लेस होगी वो सेट ए की होगी। तो इस तरह से हमने इन सभी ऑर्डर पेयर्स का एक सेट बनाना होगा, वो हमारे पास क्या होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हम यहाँ ये भी नोट करेंगे कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। Why? Because हमने यहाँ पे बोला है कि जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं, वो उसमें पहली प्लेस पहले सेट की होगी और दूसरी प्लेस दूसरे सेट की होगी, तो ये इक्वल तभी होंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल तभी होगी इफ एंड ऑनली इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। क्योंकि पहली प्लेस यहाँ पे हमारे पास ए सेट की है और इसमें हमारे पास पहली प्लेस बी की है, तो ये हमारे पास दोनों इक्वल तभी होंगे जब हमारे पास सेट ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट्स। और हम ये भी नोट करते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं, मींस इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन वी कैन से ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। मींस अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं तो उनकी फर्स्ट प्लेसेस के एलिमेंट्स इक्वल होंगे और सेकंड प्लेसेस के एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो जब हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल आएंगे तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि पहली प्लेस को पहली के इक्वल और सेकंड प्लेस को सेकंड प्लेस के इक्वल रखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज 2.1 की एग्जाम्पल्स। इससे पहले एक फॉर्म और है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। व्हाट इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, इससे पहले हम ये लिखते हैं व्हाट इज ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए के अंदर हमारे पास क्या होंगे, सभी ऑर्डर पेयर्स ए बी, जिसमें ए और बी दोनों सेट ए को बिलोंग करेंगे। तो ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्या है, ए क्रॉस ए, यानी कि इसमें हमारे पास जो पेयर्स आएंगे ट्रिपलेट की फॉर्म में आएंगे, इस तरह से लिखा जाएगा, जिसमें पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, हमारे पास तीनों जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए को बिलोंग करेंगे। तो इससे रिलेटेड भी हम एग्जांपल करेंगे जो हमारे बुक के अंदर है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं, x प्लस वन y माइनस टू इज इक्वल टू थ्री वन। ये दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं तो उनकी पहली प्लेसेस इक्वल होंगी, मीन्स x प्लस वन विल बी इक्वल टू थ्री एंड सेकेंड प्लेसेस विल बी ऑल्सो इक्वल। तो यहां से हम x और y की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो प्लस का वन है राइट हैंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वन, तो थ्री माइनस वन एक्स विल बी इक्वल टू टू। सिमिलरली जो माइनस टू है वो राइट हैंड साइड पर जाकर प्लस टू हो जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू क्या जाती है, थ्री। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी है। सेकेंड एग्जाम्पल है, टू सेट्स आर गिवन p एंड q,
फॉर्म द सेट्स पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी, आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल? तो हमारे पास दो सेट्स हैं पी एंड क्यू जो कि इक्वल है. सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर पी सेट है एबीसी, क्यू सेट के अंदर एलिमेंट्स है आर. हमें कैलकुलेट करना है पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी, आर दीज प्रोडक्ट्स इक्वल? और हमें ये चेक करना है इज P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस P. तो हम यहाँ पे तीन चीजें कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट P क्रॉस Q, देन Q क्रॉस P, देन वी विल चेक दीज टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल और नो. तो पहले हमारे पास प्रोडक्ट है P क्रॉस Q, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे ऑर्डर पेयर्स में? ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है जिसमें हमारा पहला एलिमेंट P को बिलोंग करेगा और जो सेकंड प्लेस होगी वो एलिमेंट हमारा Q को बिलोंग करेगा. ये हमारा P सेट है, पहला एलिमेंट A से आया, P से आया और सेकंड एलिमेंट हमारा होगा Q से. अब A के साथ ऑर्डर पेयर हमारा सिर्फ R के साथ ही बन सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई और एलिमेंट नहीं है. तब A के बाद हम लेंगे B, तो B R, नेक्स्ट होगा सी आर. तो हमारे पास जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं वो कितने आए? थ्री ऑर्डर पेयर्स, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास तीन एलिमेंट है, क्यू के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वन. तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तीन ही बनेंगे क्योंकि हमारे पास क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है, दो होंगे तो हमारे पास सिक्स पेयर्स बनेंगे. नेक्स्ट है क्यू क्रॉस पी. अब Q क्रॉस P में क्या है? पहला एलिमेंट Q का होगा और सेकेंड एलिमेंट P का होगा. तो पहला ऑर्डर पेयर क्या होगा? R A, देन R B और लास्ट आएगा R C. तो इस तरह से तीन ही ऑर्डर पेयर हमारे पास Q क्रॉस P में आए. तो इन दोनों सेट्स को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे ये ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर देखने में एक जैसा जरूर है लेकिन इनकी सीक्वेंस सेम नहीं है. इसमें पहला एलिमेंट ए है, इसमें पहला एलिमेंट आर है, इसका सेकंड एलिमेंट आर है, इसका सेकंड एलिमेंट ए है. तो जब सीक्वेंस सेम नहीं है तो हम ये कहेंगे पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी. ये हमारे पास दोनों ही सेट इक्वल नहीं है. और अनदर वे हम ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब हमारे पास P और Q दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल सेट. लेकिन यहाँ पे हमारे पास हम इजीली देख सकते हैं P सेट के अंदर तीन एलिमेंट हैं A, B, C और Q के अंदर एलिमेंट्स हैं R. तो ये दोनों ही हमारे जो सेट्स हैं डिफरेंट सेट्स हैं, तो इसीलिए इनकी जो प्रोडक्ट होगी हमारे पास वो इक्वल नहीं आएगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थ्री इज लेट ए बी सी, थ्री सेट्स आर गिवन, कैलकुलेट. यहां पे हमारे पास क्या है? तीन सेट गिवन है और तीन सेट से हमने चार पार्ट्स को सॉल्व करना है. तो फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो हमने कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. हमारे पास ए सेट गिवन है वन टू थ्री और बी सेट है हमारे पास थ्री फोर और सी सेट है हमारे पास फोर फाइव सिक्स. तो ये तीन सेट से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हमारा जो बॉर्डमास रूल है उसके अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो ब्रैकेट के लिए हमें बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करनी है. बी इंटरसेक्शन सी क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दिस इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन बी एंड
सी बोथ। तो यहां पे हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, ओनली फोर, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ओनली एलिमेंट फोर। तो अब हमारे पास जो ए सेट है 1 2 3 उसकी हमने प्रोडक्ट लेनी है 4 के साथ। तो ये जो हमारा सेट होगा, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, व्हाट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा 1 2 3 है, इसकी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है 4 के साथ। तो पहला एलिमेंट ए का होगा, क्योंकि हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखी है उसमें फर्स्ट हमारा सेट है ए और दूसरा सेट है बी इंटरसेक्शन सी। तो पीछे वाला जो एलिमेंट होगा वो 4 होगा। तो 1 के साथ 4 का ऑर्डर पेयर बनेगा, 2 के साथ ऑर्डर पेयर 4 होगा और 3 के साथ 4 का ऑर्डर पेयर होगा। तो ये हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर आ जाते हैं किसके अंदर, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो यहां भी आप देखेंगे दो ब्रैकेट है हमारे पास, फर्स्ट ब्रैकेट है ए क्रॉस बी और सेकेंड ब्रैकेट है ए क्रॉस सी। तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ए क्रॉस बी एंड देन ए क्रॉस सी। तो देखते हैं इसके अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। ए क्रॉस बी का मतलब है पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। तो हमने पेयरिंग करनी है, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं, जैसे कि 1 की पेयरिंग होगी 3 के साथ, फिर 1 की पेयरिंग होगी 4 के साथ। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्डर पेयर बनेगा 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 2 4 एंड सिमिलरली विथ 3। तो इस तरह से हमने जो ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं उसमें प्लेसेस का ध्यान रखना है कि हमने सेट कौन सा लेना है, पहले ए, तो पिछला जो एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा। तो 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 3 3 4 ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आ चुके हैं ए क्रॉस बी के अंदर। नाउ ए क्रॉस सी, अब ये हमारा सेट ए है और ये सेट हमारा सी है। तो सेम वही प्रोसीजर है कि 1 की पेयरिंग पहले हम 4 के साथ करेंगे, फिर 1 की पेयरिंग होगी 5 के साथ और लास्ट में 1 की पेयरिंग होगी 6 के साथ। नेक्स्ट हमारा जो है एलिमेंट 2 है, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6 और लास्ट एलिमेंट है ए के अंदर 3। तो 3 4 3 5 एंड 3 6। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसकी तरफ हम चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, मतलब जो हमारे पास ये दो सेट आए हैं अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट्स, लेकिन क्योंकि इस सेट के अंदर हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आएंगे, कॉमन ऑर्डर पेयर्स। जो भी ऑर्डर पेयर्स कॉमन है जो दोनों सेट्स में है तो हम वो लेंगे। तो इजीली हम दे सकते हैं 1 4 दोनों में है। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 5 नहीं है इसमें और 2 4 देन 3 4। ये तीन ऑर्डर पेयर्स ऐसे हैं जो दोनों ही सेट्स में मौजूद हैं। तो इंटरसेक्शन के अंदर हमें कॉमन ऑर्डर पेयर्स लेने हैं 1 4 2 4 एंड 3 4। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को ध्यान से देखेंगे हमारा सॉल्यूशन सेम है। तो जब हमारा सॉल्यूशन सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अप्लाई हो रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को जब हम सॉल्व करते हैं या ब्रैकेट ओपन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं तो उसमें क्या आ जाता है हमारे पास, ए क्रॉस बी देन इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो अंदर ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है।
तो इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट दो पार्ट जो है काफी आसान है। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट, वो भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे फर्स्ट पार्ट की तरह। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो इसके लिए पहले हमने यूनियन को सॉल्व करना है। अब क्योंकि यूनियन के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे 3, 4, 5, 6। यूनियन का क्या मतलब होता है? आइदर इट बिलोंग्स टू सेट बी और बिलोंग्स टू सेट सी और बोथ। यानी कि इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं या तो वो सेट बी को बिलोंग करते हैं या फिर सेट सी को बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गई है। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होगी? यानी कि अब हमारा जो ए सेट है इसकी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है 3, 4, 5, 6 के साथ। तो 1 क्या ऑर्डर पेयर बनेगा? 3 के साथ। देन 1 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। ये हमारे ऑर्डर पेयर्स हैं 1 से स्टार्ट होने वाली। यानी कि पहला एलिमेंट हमने 1 का लिया, 1 सॉरी ए का लिया 1। अब हमने सेकेंड एलिमेंट लिया 2। अब 2 के ऑर्डर पेयर बनाएंगे इन सभी एलिमेंट्स के साथ 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। नेक्स्ट आएगा 3, 3, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। तो ये हमारे पास सेट आ चुका है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ये पार्ट भी इजी था। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ए क्रॉस बी यूनियन विद ए क्रॉस सी। तो इसमें भी हम दो पार्ट को सॉल्व करेंगे, पहले ए क्रॉस बी और फिर ए क्रॉस सी। तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है पहले ए क्रॉस बी की, फिर है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी की। तो ए क्रॉस बी के अंदर हमने पहले भी ऑर्डर पेयर्स बनाए थे 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 एंड 3, 3, 3, 4। एंड सिमिलरली इन ए क्रॉस सी, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट सी है। तो पहला एलिमेंट ए का होगा और सेकेंड एलिमेंट जो होगा सेट सी से होगा 1, 4, 1, 5, 1, 6। पहले हमने 1 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर्स बनाए हैं, अब हम 2 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे 2, 4, 2, 5, 2, 6। देन 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। अब ये हमारे पास जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं। अब यूनियन में क्या लेना है? इन दोनों सेट्स की यूनियन, यानी कि जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स या तो ए क्रॉस बी को बिलोंग करें या फिर ए क्रॉस सी को बिलोंग करें, तो वो हम इसके अंदर लिखेंगे। लेकिन जो ऑर्डर पेयर्स कॉमन है उनको वन टाइम लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब हम इनकी यूनियन लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1, 3 का ऑर्डर पेयर, देन 1, 4 का ऑर्डर पेयर, 1, 5, देन 1, 6, 2, 3, 2, 4, क्योंकि 2, 4 यहाँ पे आ चुके हैं तो एक बार ही लेंगे, देन 2, 5, 2, 6। फिर हमने 3 से स्टार्ट होने वाले लेने हैं 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो जो कि हमारे पास ये जो थर्ड पार्ट का सोल्यूशन है सेम सोल्यूशन इसका आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमारा जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है अप्लाई हो जाते हैं कि जो क्रॉस है हमारे पास प्रोडक्ट है वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ए क्रॉस बी यूनियन विद ए क्रॉस सी। तो ये सोल्यूशन हमारा सेम होगा। नेक्स्ट है फोर्थ एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही सेट दिया हुआ है पी और हमने P क्रॉस P फाइंड आउट करना है। तो उसमें हमारे पास ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनेंगे। पेयर में क्या होते हैं? दो एलिमेंट्स होते हैं। ट्रिपलेट में क्या होते हैं?
तीन एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, पी सेट है 1 2, फॉर्म द सेट पी क्रॉस पी क्रॉस पी, ये हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन पहले हम पी क्रॉस पी लिखेंगे, पी क्रॉस पी के अंदर क्या होंगे एलिमेंट्स, पी की ही प्रोडक्ट लेनी है हमें पी के साथ, चाहे तो आप इसको 2 टाइम्स लिख लें। अगर आपने इजी करना है क्वेश्चन को तो आप देखेंगे अब इसकी पेयरिंग इसके साथ करनी है, यानी कि पी के साथ प्रोडक्ट लेनी है, तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो हमारे पास इस तरह से आएंगे 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ये हमारे पास पेयर्स के फॉर्म में आए। अब हमें लेनी है पी क्रॉस पी, क्लियर है? चाहे तो आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि ये जो पी है इसकी प्रोडक्ट लेनी है पी क्रॉस पी के साथ, तो चाहे तो हम इसकी प्रोडक्ट पहले लें या फिर पीछे लें, तो दोनों ही तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा, अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 1 का ऑर्डर पेयर, एंड फिर 1 1 2, देन 1 2 1, देन 1 2 2, और फिर हमारे पास 2 से स्टार्ट करेंगे 2 1 1 2 1 2 2 2 1, एंड देन लास्ट में 2 2 2। तो इस तरह से हमारे पास सभी जो ऑर्डर ट्रिप्लेट्स आ चुके हैं किसके अंदर, पी क्रॉस पी क्रॉस पी। तो इजी है कि पहले आप पी क्रॉस पी फाइंड आउट करें, फिर इस पी क्रॉस पी की हमें प्रोडक्ट लेनी है पी के साथ। तो जो ये पी के एलिमेंट्स है 1 एंड 2, चाहे तो इन ऑर्डर पेयर्स के आगे लगा दें या फिर हम पीछे लगाएंगे, तो हमारे पास ये ऑर्डर ट्रिप्लेट्स बन जाएंगे। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कैसे आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्रॉस विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्रॉस विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, और यू कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी रेस टू पावर 3। तो उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे, तो 2 रेस टू पावर 3, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्रॉस पी दैट आर इक्वल टू 8। तो लास्ट एग्जांपल है हमारे पास ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी अगर हमें दिया हुआ है तो हमने ए और बी दो सेट्स को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, उसके अंदर सभी पॉसिबल जो है ऑर्डर पेयर्स लिखे जाते हैं, यानी कि हर एलिमेंट की पेयरिंग की जाती है। तो फर्स्ट हमारे पास है पी क्यू, देन पी आर, देन एम क्यू एंड एम आर। तो हमें यहाँ भी यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेट जो है हमारे पास ए है, तो जो एलिमेंट्स हैं उनमें हम देखेंगे फर्स्ट जो प्लेसेस हैं उनमें क्या लिखा गया। फर्स्ट प्लेसेस में पी और एम लिखे गए, तो हमारे पास ए के अंदर एलिमेंट्स होंगे पी एंड एम। सिमिलरली बी जो हमारे पास सेट होगा वो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे क्यू एंड आर। तो इस तरह से हमारे पास ये दो सेट्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं कि अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन